ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू फिनिश आवर सिलेबस विद द टू टॉपिक्स रिमेनिंग। द लास्ट हमने जो किया था वो आपका था बायसिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर वी हैव टू डन विद द फीडबैक ऑफ कलेक्टर। दिस वन वाज वी हैव डन। ओके, तो थोड़ी टाइम की कमी है और इस वजह से आज मैं आप लोगों को ये वीडियो जो है वो बुक के अंदर ही शेयर करवा रहा हूँ, तो कोशिश करेंगे इसको ठीक ढंग से समझने की। तो हम दो मेथड पढ़ चुके हैं, ठीक है, थर्ड मेथड आज हम स्टडी करेंगे। तो जब हम ट्रांजिस्टर बायसिंग की बात करते हैं तो इसमें हमें वही चीज़ ध्यान में रखनी है। एक तो हमने निकालना होता है IC, एक IB और एक VCE, ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमने निकालनी होती हैं। और फिर ये देखना है कि ये टेम्परेचर के साथ या ट्रांजिस्टर रिप्लेसमेंट के साथ जो है वो चेंज ना हो इनकी वैल्यूज। तो आज हम जो स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ बायसिंग विद द एमिटर रजिस्टर। इसमें क्या किया है हमने, अलग से ये ट्रांजिस्टर लिया हमने कॉमन एमिटर, ये रेजिस्टेंस पहले से ही लगा है, दूसरा रेजिस्टेंस RB हम लगा चुके हैं, ठीक है, ये हमने लास्ट में भी किए थे। आज हम यहाँ एमिटर के ऊपर रेजिस्टेंस लगाते हैं। जैसे हम जब चार रेजिस्टेंस की बात करते थे तो एक नीचे लगता था, एक ऊपर, एक इधर और एक इधर, ठीक है, ये चार रेजिस्टेंस हम लगाते थे। तो एक और दो लगा चुके हैं हम, ये तीसरा आज हमने लगाना है इसके अंदर। इसको हम RC देते थे नाम, इसको R1, R2, ठीक है, R2 अभी बाकी है, तो आज हम RE के बारे में देखेंगे कि ये क्या लगाया है हमने। एक रेजिस्टेंस हमने लगा दिया, ठीक है, और जब हमने रेजिस्टेंस लगा दिया तो ये कैपेसिटर वही काम कर रहे हैं, ये इनपुट के अंदर जो DC है उसको ब्लॉक करेगा, ये आउटपुट के अंदर जो DC है उसको ब्लॉक कर देंगे, और ये VCC इसके साथ भी कनेक्टेड है और ये VCC बेस के साथ भी कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हमने आउटपुट के अंदर, ये आउटपुट है आपकी, ठीक है, इस आउटपुट के अंदर हमने किरचॉफ्स लॉ लगाना है। जब हम किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे तो IB इंटू RB दिस वन, VBE सेकेंड वन, और नीचे की तरफ चले गए IE RE, ये आ गया आपके पास, ठीक है, और ये सारा किसके बराबर होगा, VCC के बराबर, अगर हम ऐसे चलते हैं, क्योंकि VCC यहाँ भी इनपुट में भी कनेक्टेड है और VCC आउटपुट में भी। तो जब हम इस प्रोसेस को लेकर चल रहे हैं तो ये इनपुट है हमारा, ठीक है, IB into RB VBE और IE into RE। यहाँ से हमने किसको निकाल दिया, बेस करंट को निकाल दिया, ठीक है, बाकी सारी टर्म उधर चली गई और नीचे चला गया RB, क्योंकि VBE नेग्लेक्जिबल है, वेरी स्मॉल है, तो हमने इसको हटा दिया, तो रिजल्ट ऑलमोस्ट इसके बराबर आ गया। IB की वैल्यू हमने निकाल दी। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि हम IB, IC और BC निकालेंगे, तो हमने यहाँ से इसको निकाल दिया, IB को निकाल दिया, ठीक है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ IB। अब हम ये देखते हैं कि ये हमारा टेम्परेचर के साथ या ट्रांजिस्टर रिप्लेसमेंट के साथ स्टेबल होता है या नहीं, ठीक है। जब हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो कलेक्टर करंट इंक्रीज होगा, ठीक है, और कलेक्टर करंट इंक्रीज होने का मतलब यह है कि IE भी इंक्रीज होता है, क्योंकि IE की वैल्यू अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होती है, IC के बराबर होती है। तो जब IC इंक्रीज हो रहा है तो IE भी इंक्रीज हो रहा है, और हमने अब की बार रेजिस्टेंस लगा दिया है यहाँ पर। तो अगर रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया है तो आप ध्यान से देखें कि एमिटर करंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी, और जब इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो गई रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो एमिटर करंट बढ़ेगा नहीं अब, और जब एमिटर करंट नहीं बढ़ेगा तो उसकी वजह से कलेक्टर करंट भी नहीं बढ़ेगा। यानी अगर टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तो दो चीज़ें बढ़ती हैं हमारी, IC बढ़ता है और IE बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इस वजह से यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो गया तो एमिटर करंट नहीं बढ़ेगा, और एमिटर करंट का सीधा इफेक्ट किस पर होता है, IC पर, तो IC नहीं बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से जो है वोल्टेज ड्रॉप हो गया IE RE पर, और बेस करंट डिक्रीज, और ड्यू टू बेस करंट डिक्रीज एज ए रिजल्ट IC कैप्ट कॉन्स्टेंट, ठीक है, जो है कलेक्टर करंट क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू ड्रॉप हो गई है वोल्टेज पर,
इसकी वजह से बेस करंट कांस्टेंट हो गया या डिक्रीज़ हो गया, और इसकी वजह से कलेक्टर करंट भी नहीं डिक्रीज़ हो रहा और ये एक तरीके से कांस्टेंट हो गया, तो टेम्परेचर का इस पर इफेक्ट नहीं हो रहा। दूसरी चीज़, ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करते हैं, जब हम ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करते हैं तो वैल्यू हमारे पास बीटा पैरामीटर चेंज होना चाहिए, और आईसी क्या होता है, बीटा आईबी, ठीक है। लेकिन जब ट्रांजिस्टर को हमने चेंज किया तो कलेक्टर करंट चेंज हो रहा है, लेकिन फिर वही प्रोसेस हुआ कि एमिटर के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस लगा है और उसकी वजह से वहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, और अगर वोल्टेज ड्रॉप हो गया तो बेस करंट डिक्रीज हो जाएगा और इस वजह से कलेक्टर करंट भी क्या हो गया, डिक्रीज। यानी कि अगर हम ट्रांजिस्टर को भी रिप्लेस करते हैं तो भी उसका कलेक्टर करंट पर इफेक्ट नहीं होता, यानी पॉइंट क्या हो गया, स्टेबल हो गया। दोनों ही तरीके में, टेम्परेचर के साथ वेरिएशन में और रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रांजिस्टर, दोनों ही में उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। अब बात रह गई किसके निकालने की, VCE को निकालने की। जब हमने इस इक्वेशन को यहाँ पर ये लिखा है, ठीक है, VCC लाइक दिस दिस एंड दिस, ठीक है, तो अब इसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, IB इंटू RB VBE, और इसको हमने लिख दिया IB प्लस IC। किसको लिख दिया हमने, एमिटर करंट को, ये एमिटर करंट है, क्योंकि एमिटर करंट होता है आपका IB प्लस IC, तो एमिटर की जगह हमने क्या लिख दिया, IB प्लस IC यहाँ पर, ठीक है। और IC क्या होता है, दिस वन इज योर बीटा IB, तो IC को हटाया, उसकी जगह बीटा IB आ गया, और इस सारे में से हमने बेस करंट को कॉमन ले लिया है, जहाँ जहाँ पर आ सकता है, इसमें से आएगा, इसमें से आएगा, इसमें से आएगा, ये तीनों टर्म अंदर रह गई, और बेस करंट यहाँ, और VB एज इट इज, तो एक्चुअल बेस करंट की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है, बेस करंट आ गया। कलेक्टर करंट अगर निकालना है तो कलेक्टर करंट क्या होता है, बीटा को IB से मल्टीप्लाई कर दो, ये IB था, इसको बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। अब इसमें अगेन VB बहुत स्मॉल है तो इसको हम VCC ही लिख सकते हैं, और बीटा की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा होती है, सो वी कैन नेगलेक्ट 1, सो वी कैन राइट हेयर बीटा, तो यहाँ VCC रह गया और यहाँ सिर्फ क्या रह गया, बीटा रह गया, तो IC की वैल्यू भी हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, दो चीज़ें निकाल दी। अब निकालना है VCE, VCE को निकालने के लिए हम आउटर लूप में चलेंगे, आउटर लूप का मतलब दिस वन, दिस योर आउटर लूप, ठीक है। VCE, IERE और VCC, ये तीनों चीज़ हो गई हमारे पास, ठीक है, VCE ये IE इंटू RE और दिस इज IC इंटू RC, तो अब हम यहाँ से इसको निकाल देते हैं, ICRC VCE IE इंटू RE, दिस इज इक्वल टू VCC, यहाँ से हमने किसको निकालना है, VCE निकाल देते हैं, ठीक है। और जो कलेक्टर करंट है वो किसके बराबर है, ऑलमोस्ट एमिटर करंट के, तो हमने एमिटर को हटा दिया, उसकी जगह क्या लिख दिया, IC, तो दोनों ही में IC है, IC को बाहर ले लिया, दिस इज द वैल्यू ऑफ VCE, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। अब तीनों चीज़ें आ गई, IC आ गया, IB आ गया और VCE भी आ गया है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि तीसरा रेजिस्टेंस अगर हम एमिटर पर लगा देते हैं तो हमें रिक्वायर्ड एमिटर रेजिस्टेंस बायसिंग मिल जाती है। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या इसकी एडवांटेजेस या फीडबैक हैं। अब क्योंकि RE जो था वो एमिटर पर कनेक्टेड है और ये इनपुट और आउटपुट दोनों ही सर्किट में जाता है, ठीक है, तो इसीलिए इस सर्किट का नाम करंट फीडबैक बायसिंग भी है, ठीक है। फीडबैक इज प्रोवाइडेड बाय रजिस्टर एंड फीडबैक इज वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू एमिटर करंट, तो इसीलिए इसको करंट फीडबैक बायसिंग रेजिस्टेंस भी कह देते हैं। अब ये देखते हैं इसकी एडवांटेज में कि ये चीज़ किस तरीके से इसको स्टेबल करने के लिए हेल्पफुल है। जब हमने RE लगाया तो क्यू पॉइंट स्टेबल हो गया, क्योंकि बेस करंट भी स्टेबल हो रहा है, IC भी स्टेबल हो रहा है और VC भी स्टेबल हो रहा है, ठीक है। ड्यू टू दिस सिग्नल अगर हम इनपुट में कोई AC फीडबैक देते हैं, ठीक है, तो सिग्नल जो है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। गेन क्यों गेन हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस RE के अक्रॉस डेवलप हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक बाईपास कैपेसिटर भी लगा सकते हैं। क्या बताया मैंने, अगर हमने कोई सिग्नल दिया,
ठीक है, वो सिग्नल जब इसमें से जाएगा, रेजिस्टेंस में से जाएगा, तो यहाँ पर वो ड्रॉप हो जाएगा और इसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा सिग्नल। लेकिन इस चीज़ को बचाने के लिए हम यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा सकते हैं जिसको हम नाम दे सकते हैं CE का, ठीक है, जिससे सारा जो करंट है AC सिग्नल वो CE में से पास हो जाए, ठीक है, एंड CE इज कॉल्ड बाईपास कैपेसिटर इन द पैरेलल, ठीक है। तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा और इस वजह से वोल्टेज गेन भी रिड्यूस नहीं होगा हमारा। लेकिन इसकी भी एक डिसएडवांटेज है, वो डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि जो कलेक्टर करंट है वो बीटा पर डिपेंड होता है, और अगर हम इसको इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं तो RE की वैल्यू बहुत ज़्यादा होनी चाहिए इस वैल्यू से। अगर हम RE को बहुत ज़्यादा लेते हैं तो दोनों ही कंडीशंस में वो अनडिज़ायरेबल है, क्योंकि अगर RE की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो जाएगा और Q पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें RB को स्मॉल करना पड़ेगा, सेपरेट DC वोल्टेज इज रिक्वायर्ड इन द बेस सर्किट के लिए, ठीक है। तो ये हमारा आपका हो गया बायसिंग विद एमिटर रेजिस्टेंस। अब लास्ट वन की बात करते हैं, वोल्टेज डिवाइडर, ये भी इम्पोर्टेंट वन में से है। वोल्टेज डिवाइडर या इसको सेल्फ बायस सर्किट भी कहते हैं, अपने आप बायसिंग होने वाला, ठीक है, या तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट है या दूसरा, ये लास्ट वाला भी इम्पोर्टेंट है। अब इसमें क्या है, हम चौथा रेजिस्टेंस भी लगा रहे हैं, यहाँ भी रेजिस्टेंस, यहाँ भी RC R1, यहाँ हम लगा चुके हैं पिछले वाले में, और अब हमने लगा दिया यहाँ पर R2 पर। अब जब चार लगा दिए तब हम हमारा पूरा कंप्लीट सर्किट एज ए एम्पलीफायर यूज़ होना है, ठीक है। C1 का वही काम, इनपुट में DC सिग्नल को अवॉइड करेगा, C2 का आउटपुट में DC सिग्नल को अवॉइड करेंगे, ठीक है। अब हम इसको जो है वो देखते हैं कैसे काम करता है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर जो R2 है इस पर जो वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज वो कितनी है, V2। तो हमने इन दोनों को देखो ध्यान से, दोनों किस में है, सीरीज में हो गए एक तरीके से। तो हमने वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा दिया और इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज है वो R2 R1 प्लस R2 इंटू VCC, ठीक है, ये वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम बोलते हैं इसको। अगर हमें किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। कैसे निकाल सकते हैं आप इसको, V2 अपॉन R2, V2 ध्यान से देखो एक बार, V2 अपॉन R2 इसके अंदर करंट है और वो करंट जो इस सर्किट में करंट हो रहा है उसी के बराबर होगा, और इस पूरे सर्किट में कितना करंट होगा, R1 प्लस R2, और इस पर वोल्टेज कौन सी है हमारी, VCC, ठीक है। तो जो करंट सर्किट में है V2 ओवर R2 कर दो और इसका रेजिस्टेंस निकाल करके इसका करंट निकाल दो तो सेम हो गई, या इसको इस तरीके से लिख दो या करंट के फॉर्म में लिख दो। लेकिन हम वोल्टेज डिवाइडर लिख रहे हैं तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कैसे लिखा है, ठीक है। अब किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं यहाँ पर, सिर्फ इस सिग्नल में, सिर्फ इसमें, कौन से में, दिस वन, ठीक है, VBE IERE और ये उल्टी डायरेक्शन में। वैल्यू क्या आ गई यहाँ हमारी, ये माइनस का और ये दोनों प्लस के, इक्वल टू जीरो, एमिटर करंट निकाल दिया यहाँ से। और एमिटर करंट किसके बराबर होता है, कलेक्टर के, तो IC की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इसमें IC हमने निकाल दिया है क्योंकि IC VCE और IB हम ये निकालते हैं, तो IC की वैल्यू निकाल दी हमने। अब यहाँ देखो, यहाँ कोई बीटा फैक्टर नहीं है, डज नॉट डिपेंड अपॉन बीटा, और जब बीटा नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि ट्रांजिस्टर अगर हम बदल भी दें तो कलेक्टर करंट चेंज नहीं होने वाला, दस कलेक्टर करंट एट Q पॉइंट डजंट चेंज ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रांजिस्टर पैरामीटर, क्योंकि बीटा ट्रांजिस्टर पैरामीटर होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, VB बहुत कम होगा V2 के कंपैरिजन में, तो IC इस पर भी डिपेंडेंट नहीं है, V2 ओवर RE अप्रोक्सीमेट है। तो ट्रांजिस्टर पैरामीटर या ट्रांजिस्टर रिप्लेसमेंट में ये हमारे पास सबसे बढ़िया काम करेगा, ये वाला एम्पलीफायर यानी कि बायसिंग, ये बायसिंग,
जिसमें हमने इस पर भी रेजिस्टेंस लगा दिया है। तो एक ट्रांजिस्टर को हटा दो, दूसरा लगा दो, तो ये रेजिस्टेंस उसको बिल्कुल स्टेबल रखेंगे, क्योंकि इसकी वजह से उसके अंदर बीटा पैरामीटर पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि इस टर्म में कोई बीटा नहीं। ठीक है, अब आउटपुट की बात करें, वी सी निकालें, तो वी सी आउटपुट में लगा दो, ये हमारे पास वैल्यू इनटू में ये और ये आपका, ठीक है, एक दो तीन और वी सी सी के बराबर। तो वैल्यू क्या आ गई, आई सी आर सी प्लस वी सी प्लस ये प्लस और माइनस का वी सी सी, किरचॉफ्स लॉ इक्वल टू जीरो। तो निकालना क्या है, वी सी ई, तो वी सी निकाल दिया, बाकी टर्म उधर चली गई। फिर एमिटर करंट अगर कहीं पर आता है तो उसको कलेक्टर में चेंज कर दो, तो वी सी इज इक्वल टू दिस। तो दिस स्टेबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट अगेंस्ट टेम्परेचर ऑल्सो एक्सप्लेन्ड। कैसे, मान लिया कलेक्टर करंट इंक्रीज हुआ टेम्परेचर के चेंज की वजह से, अगर टेम्परेचर के चेंज की वजह से कलेक्टर करंट चेंज होगा तो उसकी वजह से क्या चेंज होगा, एमिटर करंट चेंज होगा। लेकिन हम यहाँ पर भी एक वोल्ट एक रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, तो एमिटर करंट अगर चेंज होगा तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, इसलिए एमिटर करंट पे कोई फर्क नहीं। बेस करंट डिक्रीज तो एमिटर कलेक्टर करंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर वेरिएशन का भी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कोई फर्क नहीं पड़ना ड्यू टू दिस बेस करंट एंड हेंस कलेक्टर करंट इट डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस अब वही काम करेगा जो पहले कर रहा था। अगर मान लिया टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कलेक्टर करंट इंक्रीज हो गया, अगर कलेक्टर करंट इंक्रीज हो रहा है तो एमिटर करंट चेंज, और अगर एमिटर करंट चेंज है तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, और वोल्टेज अगर ड्रॉप हो गई तो करंट बेस का कम, फिर उसकी वजह से कलेक्टर का कम हो जाएगा, तो बढ़ेगा नहीं वो उसकी वजह से। हेंस एनी चेंज इन कलेक्टर करंट इज अपोज्ड बाय द ऑपरेटिंग पॉइंट इज स्टेबलाइज्ड। ठीक है, तो ये हमारे जो हैं वो आप सारे ट्रांजिस्टर बायसिंग को हमने डिस्कस कर लिया। अगर फिर भी आपको इसमें कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझे जो है वो मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये पॉइंट, ये इक्वेशन यहाँ से समझ में नहीं आई। ठीक है, तो आप ये मानकर चलें कि अब हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से, और आपने अच्छे ढंग से न्यूमेरिकल प्रिपेयर करने हैं अपने, और जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैंने वीडियो में आपको दे रखे हैं। कि अगर किसी ने बाय चांस वीडियो पिछली नहीं देखी है, देन यू कैन सब्सक्राइब द चैनल और यू कैन सी ऑल द वीडियोस, बिकॉज आई हैव मेड देम पब्लिक सीन टू ऑल द वीडियोस ऑफ योर क्लास। ठीक है, चलिए अब हम आज और यानी आपका ये सिलेबस ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।